इश्क सच्चा वही। हेलो गाइज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने करेक्टर को ब्लैक कैसे करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, व साथ में बर्ड PNG भी एडिट करना बताऊंगा। तो गाइज, वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, व चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, व बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। तो वीडियो को स्टार्ट करते, तो सबसे पहले अपने VN ऐप को ओपन कर लेना है। उसमें वह वीडियो ला लेनी है जो आपको एडिट करनी है। वीडियो लाने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले जो अदर पार्ट है उसको डिलीट कर देना है। अदर पार्ट डिलीट करने के बाद में वीडियो की वॉल्यूम को ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करने के बाद में आपको स्टॉक वाले आइकन पर जाना है और यहाँ से PNG ला लेनी है। PNG लाने के बाद में आपको यहाँ से इसको फिल करवाना है। फिल करवाने के बाद में आपको अपनी वीडियो पर आना है और इस पर डबल टैप करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद में आगे आना और आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, फॉरवर्ड कर लेना है अपनी वीडियो को। फॉरवर्ड करने के बाद में अपनी वीडियो को PNG के ऊपर ला लेना है। अपनी वीडियो को PNG के ऊपर ला लेना और अदर वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। अदर वाले पार्ट को डिलीट करने के बाद में आप यहाँ से इसको अपनी वीडियो पर सेलेक्ट करना और यहाँ से इसको फील का ऑप्शन दिखेगा, फील करवा लेना है। फील करवाने के बाद में आपको क्रोमा का ऑप्शन दिखेगा, इसकी क्रोमा की कर लेनी है। और इन मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए आपको पासवर्ड की आवश्यकता होगी, और पासवर्ड है 0011। फिर से सुन लो, 0011। क्रोमा की करने के बाद में आपको स्पेलिंग को माइनस कर देना 0 पर, और इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा लेना और अच्छे से कर लेनी है क्रोमा की। क्रोमा की करने के बाद में आपको यहाँ पर इसको फुल करवा लेना है। फुल करवाने के बाद में ये आपकी एडिट हो जाएगी। अब आपको करना है अपने जो करेक्टर है इसको ब्लैक करना है। आपको ब्लैक करना है तो अपने वाले ऊपर वाली वीडियो पर सेलेक्ट करना है और फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद में यहाँ पर आपको एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद में एक्सपोजर आपको इसको माइनस के 100 कर देना है। एक्सपोजर को कॉन्ट्रास्ट आपको इसको प्लस के 100 कर देना है, और ब्राइटनेस है इसको माइनस के 100 कर देना है। और ये आपका करेक्टर ब्लैक हो जाएगा। मेरा करेक्टर इतने में ब्लैक हो गया। आपको अगर आप धूप में बना रहे हो तो आपको थोड़ी ब्राइटनेस को फुल करना पड़ेगा, और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है इसको भी इसको माइनस करना पड़ेगा अगर आप धूप में बना रहे हो। मैंने छाव थोड़ा शाम के टाइम बनाया हुआ है मेरा, इसीलिए मैं प्लस कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा ब्लैक करेक्टर हो गया। ब्लैक करेक्टर के बाद में मैं आपको बताऊँगा न्यू बर्ड PNG। बर्ड PNG लाने के लिए आपको यहाँ पर स्टॉक वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर स्टॉक में जाने के बाद में आपको बर्ड PNG ला लेनी है। वो ये बर्ड PNG लाने के बाद में आपको यहाँ पर एक क्रोमा का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से इसकी क्रोमा की कर लेनी है। क्रोमा की करने के बाद में स्पेलिंग को आपको 0 कर देना है, और यहाँ से इसको आगे आकर यहाँ से इसको फील करवा लेना है। फील करवाने के बाद में यहाँ पर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको ब्लेंडिंग पर जाना है और यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में अब ये जो बर्ड है ना, ये आपकी बर्ड इसके ऊपर भी आ रही है करेक्टर के ऊपर, तो इसको नीचे लाने के लिए ये जो करेक्टर वाली वीडियो इसके नीचे ला लेनी है बर्ड वाली वीडियो को, और यहाँ पर ये इसको डुप्लीकेट करके फिर आगे भी यही जोड़ दो। ये मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ थोड़ा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर एक चैट जोड़नी है, व्हाट्सएप चैट, और ये जो व्हाट्सएप चैट है इस पर मैंने वीडियो बना दी है पीछे, इससे पीछे वाली वीडियो आप देखोगे, ये व्हाट्सएप चैट पर बनाई हुई है मेरी। ये मेरा लो डिवाइस है इसलिए मैं इसको बैक करके फिर चला रहा हूँ। यहाँ पर ये जो आपकी चैट भी आ गई, यहाँ से इसको फील करवा लेना है।
यहाँ पर जाना और आपको कलर डोज कर देना है। कलर डोज करने के बाद में देखो ये हमारी चैट भी हो गई। इसके बाद में मैंने हैंड वाला इफेक्ट लगाया था इसके आगे। ये जो चैट है इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हो। फिर यहाँ पर मैंने कपल वाला हैंड वाला इफेक्ट लगाया था, तो आपको वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप। ये एंड वाला इफेक्ट लगाया था मैंने और इसको यहाँ से आपको एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पर आपको एक फील वाला ऑप्शन दिखेगा, इसको यहाँ से फील करवा लेना है। फील करवाने के बाद में पास में ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिखेगा और यहाँ से इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है जहाँ पर ये ठीक लगे। सॉफ्ट लाइट कर लेना आप। इतनी ब्लेंडिंग करने के बाद में आपको इसको इतना कट कर लेना है, अपने सॉन्ग के हिसाब से देख लेना आप। फिर आगे मैंने ब्रोकन हार्ट वाली थीम लगाई थी, तो आपको ब्रोकन हार्ट वाली थीम गूगल से डाउनलोड कर लेनी है। और वहाँ पर नहीं मिले तो मैं आपको ये भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप। ये वाली थीम ला लेनी है और यहाँ पर आपको शुरू में आना है और यहाँ पर क्रोमा का ऑप्शन दिखेगा, इसकी क्रोमा की कर लेनी है। क्रोमा की करने के बाद में आपको यहाँ से इसको थोड़ा स्लो कर लेना है, थोड़ा छोटा कर देना है और यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। इतना एडजस्ट करने के बाद में आपको यहाँ से इसको फुल करवा लेना और इसके तीन पार्ट डुप्लीकेट बना लेने हैं। मेरी ये जो क्लिप ये पूरी हो गई है, इसलिए मैं इसको सेव करके फिर से अगले वाले पार्ट में बनाऊंगा, तो मैं सेव कर लूँ इसको। वीडियो सेव करने के बाद में आपको यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर आना है और न्यू प्रोजेक्ट में जाना है और अपनी जो वीडियो सेव की है उसको ला लेना है। वीडियो लाने के बाद में आपको अदर वाले पार्ट को डिलीट कर देना और जहाँ पर आपको वो लगानी है ना ब्रोकन हार्ट वाली PNG, उसको ला लेना है। वो वीडियो आपको ला लेनी है। यहाँ पर ये आ गई, आपको इसकी क्रोमा की कर लेनी है। फिर क्रोमा की करने के बाद में आपको जहाँ जहाँ पर लगाना है इसको वहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेना और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद में यहाँ पर इसको फुल करवा लेना और इसके तीन पार्ट कर लेना, डुप्लीकेट कर लेना तीन। फर्स्ट वाला डुप्लीकेट है, इसके मोशन पर जाना। आपको मोशन पर जाने के बाद में यहाँ पर इन एनिमेशन दिखेगा, इन एनिमेशन पर जाना और आपको यहाँ पर एक साइड स्लाइड वाला ऑप्शन दिखेगा, स्लाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फर्स्ट क्लिक करना है और यहाँ पर इसको कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको सेकेंड वाले पर आना है, मोशन में जाना है और यहाँ पर स्लाइड वाला जो साइड से आता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर इसको जो तीसरी साइड से आते हो वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद में देखो ये जो हमारा ब्रोकन हार्ट वाला भी हो गया। और फिर इसको यहाँ पर आपको मोशन में जाना और इसको ब्लिंकिंग करवाना चाहते हो तो ब्लिंकिंग करवा लेना। ब्लिंक वाले ऑप्शन पर जाना और आपको 0.10 सेकेंड कर देना है हर वाले में। ये देखो तो गाइस वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वह बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। तो गाइस अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना।